अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है काशिफ नईम और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल काशिफ नईम ब्लॉग। ये हैं जनाब मोहतरम सैफ साहब, मेरे भतीजे। इनकी और मेरी शर्त लग गई थी गोलगप्पे खाने की, तो अभी गोलगप्पों वाली एक स्टॉल के बाहर आ चुके हैं गोलगप्पे खाने के लिए। और शर्त बेसिकली क्या है वो आपको गोलगप्पे खाते हुए ही बताएंगे। हाँ सॉरी, बोलो आप बोलो। आप बोलो भाई, खड़े मैं कुछ शर्म होने लग गई है। मजाक कर रहा हूँ। रुके मजाक कर रहा हूँ। हाँ जी, शर्त के मुताबिक जी 12 गोलगप्पे इस टाइम आ चुके हैं साढ़े सामने। मुंडे दिए भी पहले सैफ साहब मुख्य दिन या मैं मुख्य नाम। शर्त बेसिकली हमारी ये थी कि एक मिनट के अंदर हमने 12 गोलगप्पे जो है ना वो ख़त्म करने हैं, तो जो 12 गोलगप्पे पहले ख़त्म कर लेगा वो विनर होगा और जो लूज़र होगा वो तमाम गोलगप्पों के पैसे जो है ना वो पे करेगा। अब हम टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं एक मिनट का, तो देखते हैं कि पहले कौन ख़त्म करता है। ये आपके सामने टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं, टाइमर स्टार्ट। चलो जी, पानी तो डालो, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट और 7 सेकंड हो चुके हैं और गोलगप्पे काउंट करेंगे कि एक मिनट और 7 सेकंड में हमने कितने खाए हैं। 1 2 3 4 5 6, मेरे 6 बज गए और सैफ के 1 2 3 4 5 6। रुक जाओ, कोई जल्दी है जितना ना मैंने। रुको भाई रुको, एक मिनट, एक मिनट और 7 सेकंड में हमने दोनों ने 6-6 खाए थे, इस वजह से हमारा टाइम जो है वो हम रीसेट करके 30 सेकंड जो है ना मज़ीद वो लगा रहे हैं। अब देखते हैं कि अगले 30 सेकंड में इनमें से कौन ज़्यादा ख़त्म करता है, तो जो ज़्यादा ख़त्म करेगा वही विनर होगा इसका। टाइमर एक मिनट, सबर स्टार्ट। ओए मैं हार गया, मेरे बच गए 3 और सैफ के बच गए 2। ये भाई सब शर्त इस वक्त जीत चुके हैं और अब मज़े से टैक्के से बैठे हैं। ये देखें, टांग के ऊपर टांग रख के मजबूरन मैं अपने गोलगप्पे ख़त्म करता हूँ। वैसे गोलगप्पे बहुत अच्छे थे जिन भाई ने बनाए हैं। सॉरी, मैं टेस्ट का तो बता ही नहीं सका, थोड़े स्पाइसी ज़्यादा ज़रूर हैं, थोड़े से ज़्यादा स्पाइसी हैं। वो शायद सैफ ने जान के जो सब चटनी है ना वो ज़्यादा डलवाई है कि चाचू खा नहीं सकेगा और मैं ज़रा स्पीड में खा जाऊँगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा स्पाइसी जो चीज़ें हैं वो नहीं खाई जाती। गोल के पर वैसे बड़ा क्रिस्पी, देखने में भी बहुत अच्छा है। पानी इतना मज़े का नहीं है जितना बाकी गोलगप्पे वालों का है ना, उतना मज़े का एटलीस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मज़े का नहीं है।
सर्दियों का मौसम हो और अगर रात के वक्त बंदा चाय ना पिए तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो चाय पीने के लिए हमारे एक भाई हमारे हैं, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद इशफाक भाई के पास। तो मेरा दोस्त गुलशन मार्केट के आसपास रहने वाला हो और उसका चाय पीने का मूड हो तो पठाना के साथ साथ कभी इन भाई को भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी लग रही है और खुशबू से भी बहुत अच्छी लग रही है चाय। मज़ीद आपको इंशाल्लाह पठानों को भूल जाएंगे और मौलाना याद रहेंगे फिर हमें माशाल्लाह जी। थैंक यू भाई सर, चाय टेस्ट करके फिर आपसे इंशाल्लाह बात करते हैं। हम भी चाय वाला स्टार लगाएंगे यहीं पे, मतलब करके डिग्री करके। सर कहता है जो चाय है देखने में तो बड़ी मजे की लग रही है लेकिन अब टेस्ट पता नहीं कैसे है, वो टेस्ट भी करती है। अच्छी है इतनी मजे की नहीं है लेकिन अच्छी है। IMS की चाय से अच्छी है या IMS की चाय? तो सर फिर IMS की चाय उसमें जो है ना मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। उसकी असल में खास बात ये है कि वो आप अकेले नहीं पीते, समझ रहे हो ना। वहाँ ज़रा चाय और मीठी हो जाती है। गोलगप्पे लिए खा और चाय भी पी ली है, अब आपको करते हैं अल्लाह हाफिज़। चाय भी अच्छी थी, मज़ा नहीं आया और गोलगप्पे जो थे वो तो बहुत ही टेस्टी थे। अब आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हम निकलते हैं घर की तरफ, अल्लाह हाफिज़।